17 जुलाई बुधवार से सावन का पवित्र महीना आरंभ हो रहा है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा सावन के महीने में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से कई गुना फायदा मिलता है। हम पूजा के दौरान कई बार कुछ गलतियां कर बैठते हैं, ऐसे में भगवान शिव की आराधना करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सावन के महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है, इस कारण मांस मदिरा प्याज और लहसुन का सेवन बंद कर देना चाहिए। सावन में हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि सावन में हरी सब्जियों में पित्त बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा सावन के महीने में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है, जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। कभी भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है। सावन के महीने में दूध का सेवन कम करना चाहिए, यही बात बताने के लिए सावन में शिवजी का दूध से अभिषेक करने की परंपरा है। वैज्ञानिक मत के अनुसार इन दिनों दूध पित्त बढ़ाने का काम करता है। सावन में बैगन खाना अच्छा नहीं माना जाता है। बैगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। वैज्ञानिक कारण के नजरिए से देखें तो सावन में बैगन में कीड़े अधिक लगते हैं, ऐसे में बैगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सावन के महीने में किसी भी प्रकार के बुरे विचार मन में नहीं लाना चाहिए। सावन के महीने में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सावन में अगर घर के दरवाजे पर सांड या गाय आ जाए तो उसे मारकर भगाने के बजाय कुछ खाने को दें। सांड को मारना शिवजी की सवारी नंदी का अपमान माना जाता है। सावन से भगवान शंकर की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होती है, जिसमें श्रद्धालु पैदल चलकर जल चढ़ाने जाते हैं। कहते हैं इस महीने जो व्यक्ति पूरे मन से भगवान शंकर की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के महीने में शंकर भगवान को खुश करने के लिए लोग तरह तरह की चीजों को चढ़ाते हैं, जिसमें कुछ चीजें शंकर भगवान को प्रिय होती हैं तो कुछ अप्रिय। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। इसके अलावा आक, कनेर, गुमा फल, चिचड़ा, कुश, चमेली, नाग पंचमी, मदार, शंख पुष्पी और नाग केसर का फूल प्रिय है। कदम, कठूमर, केवड़ा, शिरीष, कोष्ठ, कैथ, गाजर, कुनद और केतकी के फूल शिवजी को नहीं चढ़ाना चाहिए। अमर उजाला.com